यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग। यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है। All right, as you wish. माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या है? कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है। ए भाई, आप क्या चाहते हैं? देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है। ये आपने कैसे समझ लिया? जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देख कर। मगर आप हैं कौन? मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ। भूखे हो? पैसा चाहिए, लो। मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं। आप क्या चाहते हैं? लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ। स्याही खत्म हो गई? नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना। मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है। हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं। आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया। आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड। डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आगे बढ़ूं? ओह श्योर। यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता, और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके। सुनीता बहुत खूबसूरत थी। देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है। फिर? लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है। पर क्यों? बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ। एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है। नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है। तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है। दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं। तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है। सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा। अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता। अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए। नाटक होता तो जरूर कर देता। मतलब ये नाटक नहीं है? नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है। आत्महत्या? हाँ, आज ही। आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा। लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी। यानी कि? यानी कि मैं ही अमर हूँ। अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना। मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने। लेकिन
ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई? ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है। रियली? हाँ, अगर दोनों नासमझ हो तो। मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो? हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो। अरे इसमें क्या बोलना, एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड। ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए। प्लीज मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद। अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी? अरे लेकिन शादी के पहले ऐसा बोलने में क्या रखा है? अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बेकार की जिद मत करो। मतलब तुम नहीं बोलोगी? ना, मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती? मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली। ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो। वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में। चलो अब हम चलते हैं। तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है? सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपने गुलाम समझते हो? I hate you। लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है। लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो। तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है? जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली। लीना लीना, ये झूठी जिद है। आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना। ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है। रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की। देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है। तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो। मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ। अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? दोनों पागल हैं। तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई? देखूं तो सही ये लोग क्या कर रही हैं? अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये साड़ी कब खरीदी? कैसी लगती है? समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़े झगड़े, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में बस बस बस, एक मिनट, ये टेबल लो। टेबल किस लिए? इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो। आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम, मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो। अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे। नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो। क्या? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू। हे भगवान, इनकी सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली। पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ। इतने जोर से ना कहो। ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ। हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना? बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं। छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत से काम है। चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो कितने हो? इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई? बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धी मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो। जो मुंह में आए वो बकती जाती हो। एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं। मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। लो, मारो मुझे। रेखा, हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो। मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए चाचा जी। कैसी है चाची जी? अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो? अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं... कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भर आया इसका बस। हमें देखकर? हाँ, हमें देखकर दिल क्यों भर आया? मनोहर सच बताओ, क्या बात है? अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह किसी को रोना नहीं आता, समझे? सिमाए तुम्हारी चाची के। क्या बिना वजह रोती हूँ मैं? रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है? अब कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं, जाओ। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते। मनोहर, बहू को क्या शिकायत है? कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है। बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी। ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा? मैं तुम्हें चाहती हूँ। गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती? इससे पहले तुमने उसे डांटा था? नहीं, गलत मत समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह? लीजिए पानी। इसकी बहन की बेटी लीना। कौन? प्राण जीवन की बेटी? लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा। क्या कहा तुमने? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी। ये लीना वाली बात क्या है? लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं। अब भी लड़ रहे हैं क्या? कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखा। नहीं, रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए। संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो? हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है। अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है। हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना? तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी जी, सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ। हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है। कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी,
इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो? दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा। ये बात तो सच कही। क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में? अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। हैं? हाँ, हाँ, ये लो पैसे लो। नहीं 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 चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए। अब लेकिन अभी कुछ मत कहो। आप भी चाची। अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे। ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था? अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा। पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी? ना समझी है और क्या। नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था? लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था? अरे जवान है, कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो? तुम मेरी राय कब से मांगने लगे? नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूँ तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी। लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं। लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी। क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या? और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, 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 आ। नमस्ते चाचा जी। आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो। हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ। रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना? जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं। अरे तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूँ कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी। अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी? हाँ हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं। आई डोंट बिलीव। रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है? तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो। सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ? तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है। मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ। तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है? चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं। वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे। 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे? अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी बोलेगा। खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए। बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया। तुम क्या अंधे थे? अंधा नहीं, उदार था। उदार? उदार नहीं, उधार थे, उधार। मेरे आने के बाद ही घर में 2 वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या? चाची जी प्लीज। नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो। पागल है, कुछ समझती ही नहीं। जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी। चाची जी आप जरा शांत हो जाइए। अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती। सुनो 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 रमा, देखो देखो एक बात याद रखना रमा, एक बात याद रखना। लीना क्या है? तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये? मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई। अरे ये सब कहाँ चले गए भाई? अंदर है। क्यों? हम जैसा ही हाल है। हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है? हाँ। वाह मजा आ गया। आपको इसमें क्या मजा आया? अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना? मौसा जी सचमुच जोकर है। तुम्हारे मौसा जी हैं? मुझे मौसा जी कतई ही पसंद नहीं। पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था। हेलो शांति मोटर्स,
आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना हा? अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल। रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना? एक मिनट, हेलो, ऑफ वाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ हाँ हाउ नाइस। अच्छा अच्छा कल कब आऊं? लीना 4 बजे तुम फ्री हो ना? यस आई एम फ्री। हाँ हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना, एट लास्ट वी गॉट इट, थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था। अरे कह दिया कह दिया। क्या आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। आई लव यू वीरेन, आई लव यू। अरे मौसा जी हमारा मामला तो निपट गया। देखो देखो इन लोगों का निपट गया। मूर्ख है लीना। अरे मौसी तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। चलो मौसी तुम भी कह डालो। हट, कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा। और क्या? मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है। वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई। अरे इस पगली ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ। चाची जी, चाचा जी, जल्दी आए। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ। चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। डियर डियर एक बार नहीं, दो दो बार, दो दो बार। क्या हुआ मनोहर, क्या बात है? चाचा जी दो बार मैं जीत गया और मैं भी दो बार जीत गया। चाची चाची हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए। जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था। अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो। तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ। नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो। चाचा जी, चाचा जी। मर गया चाचा। अरे ये क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है। तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया इनको? क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया? रमा रमा मनोहर मनोहर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डॉक्टर रहने दो। क्या हो गया? एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो। क्या कह रहे? रमा रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो। देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई। एक बार कह तो। मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ। खाओ मेरी कसम तुम्हारी। अच्छा इसका मतलब तुमने नाटक किया था। चाचा जी आप भी। बच्चों इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए। ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो। अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी,
हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा लो, मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी। मनोहर, अजय कश्मीरी, चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। रेखा, कामिनी कौशल, मैंने तो केवल लकड़ी लाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई। अरे ये सब कहाँ चले गए भाई? अंदर है। क्यों? लीना, भारती कानड़े, शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर, लीना ने आपसे कहा था ना। वीरेंद्र, भूपेंद्र सिंह, नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो। जगमोहन, राजदीप, जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था, जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था। अरे रमा, लक्ष्मी शर्मा, आना चाहिए। और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।